वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज द पार्ट टू ऑफ एक्सरसाइज 2.4 और होपफुली आप सभी बच्चों ने जो है इसका पार्ट वन देख लिया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पार्ट वन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके थे एक्सरसाइज 2.4 का। इस वाली वीडियो में हम उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको सबसे पहले वाले 7th क्वेश्चन में दे रखा है कि इवेल्युएट करना है बाय यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। अगर आपने अभी तक आइडेंटिटीज को याद नहीं किया है तो आप सभी बच्चे जो है आइडेंटिटीज को अच्छे से लर्निंग का काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने 99 का क्यूब आपको दे रखा है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन कराया था a माइनस बी का होल क्यूब करके और a प्लस बी का होल क्यूब करके, तो आपको क्या करना है वही आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करनी है। जैसे 99 है इसको 100 माइनस वन होल क्यूब लिखा जा सकता है। एंड ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल a माइनस बी होल क्यूब दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा जा सकता है, ठीक है। इस वाली आइडेंटिटी को हम वैसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर बी प्लस के 3b स्क्वायर ए। तो दोनों में से जो मर्जी आप आइडेंटिटी को अच्छे से लर्निंग का काम करेंगे आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास a का वैल्यू कितना है 100 है एंड b का वैल्यू कितना है 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे नंबर 1 वाली। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab, ठीक है, 3ab पे 1 है और a माइनस बी 100 माइनस 1, ठीक है। इतना काम आप इजीली कर पाएंगे। तो जब आप इसको आगे की तरफ सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितने जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, 2, 2, 4 और पूरे 6 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 1 करेंगे माइनस के 300 आएगा और 100 माइनस 1 कितना आएगा यहाँ पे से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 99 बचेगा। अब जितने नंबर जीरोज हैं हमारे पास उतने 9 आ जाएंगे। जैसे कि 6 जीरोज है तो हमारे पास 6 टाइम्स 9 आ जाएगा, 6 बार 9 हम लिखेंगे, ठीक है, दिस इज ऑल्सो 9। माइनस के इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास तो 9 3 27 और 2 29 हो जाएगा और 00 यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें से ये माइनस कर देंगे तो वी विल गेट हमारे पास लगभग जो वैल्यू आएगी इसको जब माइनस करके लिखोगे तो आपके पास बच्चों आएगा लगभग 970 279 जैसे कि मैंने तो कैलकुलेट किया है, पर आप इसको ओरिजिनली भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। इसके बाद आपके पास जो है सेकेंड क्वेश्चन 102 होल क्यूब दिया। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं 100 प्लस के 2 होल क्यूब। अब इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है, कर लेंगे। ऐसे ही आपको थर्ड क्वेश्चन दिया 998 होल क्यूब। इसमें आपको क्या करना है 1000 माइनस के 2 होल क्यूब लगाना है। बस आपको क्या करना है a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब। मैं आपको प्लस वाली आइडेंटिटी तो मैंने लिख दी, माइनस वाली तो मैंने लिख दी, प्लस वाली आइडेंटिटी में यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन बता रखा है, ठीक है, पर फिर भी आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। बात समझ में आई नहीं आई तो ये सारे के सारे वैल्यूज आप इसमें पुट कीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। यहाँ पर ए है, ये बी है, यहाँ पर ए ये है, अब ये बी है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फैक्टराइज करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग। कैसे आप फैक्टराइजेशन करेंगे भाई, थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड देखो 9th क्लास में रहता है फैक्टराइजेशन, पर भाई अगर एक बारी सीख गए आपके फिर मार्क्स भी तो रिड्यूस नहीं होते ना, फिर आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, ठीक है। बस आपको क्या करना है, मैंने आपको आइडेंटिटीज अभी अभी बताई जस्ट थोड़ी देर पहले कि ये वाली आइडेंटिटी आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर लिखूँगा सेम कि इसको हम कितना लिख सकते हैं, देखो 2a का होल क्यूब, b का क्यूब तो लिखा जाएगा प्लस 3a स्क्वायर b। अब ये 3 पता कहाँ से आ रहा है भाई, ये आइडेंटिटी है, a प्लस b का होल क्यूब होता है ना, तो देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस के 3b स्क्वायर a। मैंने आपको दूसरे नंबर की आइडेंटिटी मतलब और वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये जो 3 है ना यहाँ पर, ये आइडेंटिटी से आया है। a पे कितना है 2a, 3a स्क्वायर बी, बी पे बी है प्लस के 3b स्क्वायर है, b पे कितना है, b पे b रहेगा
थ्री बी, बी का वैल्यू कितना है क्यू, थ्री बी स्क्वायर ए, ठीक है, नहीं बी का वैल्यू हम कितना रखेंगे यहाँ पे बी, थ्री बी स्क्वायर ए, ए पे हमारे पास कितना है टू ए, बात समझ में आती है नहीं आती है भाई, बी का वैल्यू बी रहेगा नॉट बी क्यू, बात क्लियर होगी। अब हमारे पास ए का वैल्यू टू ए आया और बी का वैल्यू कितना है बच्चों बी, तो वी कैन से दिस इज टू ए प्लस बी होल क्यूब, इसको आप तीन बारी लिख लीजिएगा क्योंकि पावर हमारे पास कितना है थ्री है, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। इसी तरीके से क्योंकि भाई मैं बार बार तो आपको नहीं बता सकता कोई भी चीज़, अब आपको अपने माइंड में ये सब चीज़ें सेट करते हुए चलते रहना है, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है हमको बता रहा है कि इसमें ना थोड़े माइनस के साइन यूज़ कर दिए, तो इट मीन्स ये हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब लगेगा, a का क्यूब, यानी हमारे पास सेम ही क्वेश्चन है भाई, बस साइन को इंटरचेंज किया है, ठीक है। तो वी कैन से ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर ए होता है, क्योंकि आपको ये वाली आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस के थ्री बी स्क्वायर ए, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा, ए का वैल्यू हमारे पास कितना रहने वाला है टू ए, थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री ए स्क्वायर बी, यहाँ पे हमारा माइनस का साइन है भाई, ऐसा मत करो, यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस के थ्री बी स्क्वायर ए, बी पे कितना है हमारे पास, बी पे हमारे पास बी है, थ्री बी स्क्वायर ए, ए पे हमारे पास टू ए, ठीक है। तो वी कैन से ए का वैल्यू कितना है टू ए और बी का वैल्यू कितना है बी, तो वी कैन से दिस इज टू ए माइनस बी होल क्यूब, इसको तीन बार जरूर लिख देना जैसे आपने यहाँ पे लिखा था, क्लियर हो गई नहीं हो गई सभी बच्चों को बात। इसके बाद आता है हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसका जो थर्ड क्वेश्चन है स्पेसियस है थोड़ा सा, तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये कितना हो सकता है बच्चों, थ्री का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी बी पे कितना है फाइव ए का होल क्यूब बन जाएगा, थ्री ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, ए पे कितना है थ्री तो इसका स्क्वायर, बी पे कितना है फाइव ए प्लस के थ्री बी स्क्वायर ए, बी पे कितना है फाइव ए, ठीक है, बी पे कितना है हमारे पास फाइव ए, तो इसका हम क्या कर देंगे इधर स्क्वायर कर देंगे, थ्री बी स्क्वायर ए, बी पे ये वाला टर्म है, ए पे ये वाला टर्म है, तो बी का हमने क्या करा स्क्वायर करा और ए पे कितना है थ्री है, बस आपको ये वाली वैल्यू बनानी आनी चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें आ गई तो वी कैन से कि इसका आंसर आएगा थ्री ए माइनस फाइव ए का होल क्यूब विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको आप थ्री टाइम्स थ्री ए माइनस फाइव ए, थ्री ए थ्री माइनस के फाइव ए, ऐसे ऐसे करके लिखेंगे तो आप इसका सही आंसर बिल्कुल ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर फोर करना है सेल्फ ट्राई, कोई अगर डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। पर क्वेश्चन नंबर फाइव आपको कैसे करना है, इसमें आपको 27 दिया, ठीक है, क्या दिया बच्चों 27, तो इसको 3p का होल क्यूब लिखा जा सकता है, ये बच्चों हमारे पास 6 का क्यूब होता है, तो 1/6 का होल क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर b, 3a, a पे कितना है 3p, 3a स्क्वायर b, b पे कितना है 1/6, 3a स्क्वायर b प्लस के हम क्या लगाएंगे प्लस के 3b स्क्वायर 1/6 का होल स्क्वायर 3b स्क्वायर a, a पे कितना है हमारे पास 3b है, ठीक है। अब हमारे पास ये a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3b और माइनस 1/6 का होल क्यूब, यानी हमने बना दिया है, बन गया नहीं बन गया, तो इस तरीके से आप इसको थ्री टाइम्स ज़रूर करके लिखेंगे तो आपका ये भी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर नाइन जो है आपके पास, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें बच्चों देखो बस हल्का सा दिमाग लगाना सीख गए होंगे आप अभी ना वैसे, क्योंकि अब आप इन वीडियो को देख रहे हो, अब आपको ना ये हमारे पास लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, सबसे पहली बात, दो हाथ होते हैं ऐसे ही हमने दो साइड बना ली। अब बच्चों इसको तो हम सोल्व करेंगे, ये लाएंगे, ये तो थोड़ा इम्पॉसिबल सा दिखता है, पर
ये बात सत्य है कि अगर मैं इस वाली साइड को सोल्व करूं तो मैं ये वाली साइड ला सकता हूं। कैसे लाऊंगा वो सिखाऊंगा। तो x प्लस वाई मैंने यहां पे लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर, और यहां पे आप लिख देंगे ऑन सोल्विंग, ऑन सोल्विंग राइट हैंड साइड, बस इतना सा लिखना है। अब x की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर दो, दिख रहा है वाला पूरा ब्रैकेट, और ऐसे ही y की मल्टीप्लाई, इस प्लस y की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर दो, ठीक है। इतना काम तो कोई भी कर देगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो एक्स स्क्वायर वाई, ऐसे ही प्लस के एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप जब आप आगे की तरफ चलेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस के वाई क्यूब। अब आप यहाँ से इसको क्या करेंगे, जो लाइक टर्म है उनको सब्ट्रैक्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। जैसे ये माइनस के एक्स स्क्वायर वाई है, ये प्लस के एक्स स्क्वायर वाई है, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ऐसे ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो वी कैन से वी विल गेट एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब। ये तो हमारे पास, हमने राइट हैंड सोल्व किया था तो ये तो राइट हैंड साइड आई है। अब इसके लेफ्ट हैंड में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब, ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या एक दूसरे के इक्वल आ गई नहीं आ गई, तो हमें ये प्रूव करके दिखाना था, ठीक है। इन द सेम वे कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों की, और रिड्यूस हो जाएंगे, और रिड्यूस करने के बाद ये आंसर बचेगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल वे में हो जाएगा, जैसे एक्स क्यूब एक्स एक्स की मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही एक्स स्क्वायर वाई माइनस के एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस के वाई क्यूब हो जाएगा। तो ये माइनस से एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों रिड्यूस होएंगे, ये इससे रिड्यूस होएगा, तो वी कैन से एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों पार्ट का क्वेश्चन नंबर 10 में फैक्टराइज करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कि इसमें 27 वाई क्यूब आपको दे रखा है, तो आप क्या करेंगे इसमें, इसको हम 3 वाई होल क्यूब लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास 5z है, तो 5z का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने ए क्यूब प्लस के बी क्यूब की आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए, जैसा कि ए क्यूब प्लस के बी क्यूब एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में मैंने लिखा है, तो इस तरीके से आप आइडेंटिटी याद कर लेंगे। तो एक्स का वैल्यू बच्चों हमारे पास कितना है, 3y, और y का वैल्यू कितना है हमारे पास, 5z। तो आपको ना ये वाली आइडेंटिटी जो मैंने यहाँ पे बना रखी है, सेम आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करनी है, बस इतना काम आप इजीली कर लेंगे। तो वी कैन से 3y प्लस के 5z, क्योंकि बच्चों वहाँ पे x प्लस वाई है और एक्स स्क्वायर, तो वी कैन से 3y होल स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, तो यानी 3y मल्टीप्लाई बाय 5z, फिर प्लस के वाई स्क्वायर, इट मीन्स 5z होल स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 3y प्लस के 5z, देन 9y स्क्वायर माइनस के 15yz प्लस के 25z स्क्वायर। इस तरीके से आप इस पार्ट को इजीली कर पाएंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, इस वाले पार्ट में आपको इजीली दिख रहा होगा, बस यहाँ पर माइनस है, तो इट मीन्स वी हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी। तो वी कैन से 4 का क्यूब होता है, ऐसे ही हमारे पास 7n का होल क्यूब हो जाएगा, तो यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4m, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7n। ये वैल्यूज आपको इस फॉर्मूले में आइडेंटिटी में पुट करनी है, इसके बाद आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। इतना काम तो आप इजिली कर पाएंगे होपफुली। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको देखते हैं एक बार ही। 11th क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज करना है फिर से। तो फैक्टराइजेशन आप कैसे करेंगे, बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के एक्स वाई जेड वाली आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ठीक है। दिस इज द आइडेंटिटी आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है, तभी आपका ये क्वेश्चन हो पाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें ये हमारे पास 3x का होल क्यूब लिखा जा सकता है, और दूसरे वाला y क्यूब, और ये
z क्यूब, ठीक है, माइनस के 3xyz है ना, x ये रहा मेरे पास, y ये वाली वैल्यू है और z ये वाली वैल्यू है, ठीक है, 3x, x पे कितना है बच्चों 3x है और y पे तो y है ही और z पे z है मेरे पास, तो इस वाली आइडेंटिटी को मैंने ऐसे करके लिख लिया, मतलब ये और ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। अब मेरे को x, y, z मिल गया, अब मैं x, y, z को इधर वाली यानी इसके राइट हैंड साइड वाली, राइट हैंड साइड में इन वाली को मैं क्या करने वाला हूँ, पुट करने वाला हूँ। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर x है ना, तो x की जगह पे कितना पुट करेंगे, 3x प्लस के y प्लस के z, ठीक है। अब दूसरे वाला ब्रैकेट भी मेरे पास है, उसमें हमें एक्स स्क्वायर बोला गया है, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3x का होल स्क्वायर, y पे कितना आएगा, y स्क्वायर, z पे z स्क्वायर, माइनस के एक्स वाई, x का मतलब 3x और y पे y है मेरे पास, और फिर कितना है, माइनस के वाई जेड, तो वाई जेड का वाई जेड, जेड एक्स पे कितना आएगा मेरे पास, z मल्टीप्लाई बाय के 3x। बात समझ में आ गई सभी को। अब इसको यहां से आप थोड़ा सा एलोबरेट करके सोल्व करेंगे फटाफट से, 3x प्लस के y प्लस के z, देन 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस के 3xy माइनस के yz माइनस के 3xz। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन इसका इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई और चेंजेस नहीं करना है, बस आपको ये आइडेंटिटी अच्छे से याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास इसको वेरीफाई करना है इसके, ठीक है, इन दोनों को वेरीफाई करना है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास क्या है, इसका राइट हैंड साइड है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमें इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ये एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3xy बन रहा है। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे क्या कब यूज करेंगे, अब भाई ऐसा तो कुछ कंडीशन नहीं बनेगी, तो हम क्या करेंगे उस आइडेंटिटी को भी यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, लास्ट में वो आएगी। पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वाले पार्ट को सोल्व करना है, ठीक है। इस पार्ट को जब आप सोल्व करोगे तो 1 अपॉन 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, फिर दूसरे में ए वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के 2yz, ऐसे ही जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2zx। बात समझ में आ गई। अब बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ से 1 अपॉन 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचता है नहीं बचता है, अब आप क्या करेंगे जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, फाइन, यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर है और बच्चे यहाँ पर भी मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो हम इनको प्लस करेंगे तो 2x स्क्वायर, ऐसे ही वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर हो जाएगा, बचा मेरे पास कितना 2xy माइनस के 2yz और माइनस के 2zx। तो ये सारे के सारा डाटा मैंने क्या कर लिया, यूज कर लिया है यहाँ पे। बात क्लियर होती है इतना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 अपॉन 2 x प्लस वाई प्लस जेड, इस पूरी इक्वेशन में से क्या मैं दो को कॉमन ले सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। बात समझ में आ गई। अब बच्चों इस 2 से तो ये वाला 2 रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है मेरे पास, फाइन। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। अब ये फर्दर सोल्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब भाई ये वाली वैल्यू लिखो यहाँ पे, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस के 3xy z, ये कंडीशन मेरे पास बने भाई, इसका फॉर्मूला क्या यही मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे देखिएगा भाई, यही तो होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, तो यही मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब भाई मैं सेम तो नहीं ला सका, पर इसका फॉर्मूला मैंने ला दिया, तो इट मीन्स ये हमारे पास LHS और RHS दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन नंबर 12 को ईजिली कर पाएंगे, फाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 13 क्वेश्चन में आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो दे दिया, तो आपको ना ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, आइडेंटिटी आपको मैंने अभी अभी लिखवाई है। ठीक है, जस्ट लास्ट में भी और उससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी 11 एंड 12 में, तो इस वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अब बच्चों आप यूजिंग करना, यूजिंग इसको लिखना सेम ऐसे ही, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3xyz एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, क्योंकि जब आप एक बार लिख लोगे ना इसको सही तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कैसे मतलब भाई x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया, जीरो दिया नहीं दिया, बिल्कुल दिया भाई। अब आप इस पूरे की वैल्यू को जीरो रखो, कितना जीरो, और इस पूरे को एज इट इज आप क्या करेंगे यहाँ पे जो जो ये वाली वैल्यू है ना बच्चों मेरी बात ध्यान से समझना, जो ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू है इसको एज इट इज आप क्या कर देंगे यहाँ पे लिख देंगे, से लिख दिया। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो के साथ तो इट विल बी कम्प्लीटली जीरो, हाँ है ना भाई, ये पूरा जीरो का जीरो हो जाएगा और हमारे इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, ये नंबर पूरा का पूरा चल रहा है, कौन सा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3xyz। ठीक है, अब मुझे सो करके दिखाना है सिर्फ ये वाली वैल्यू, मतलब ये 3xyz जो है दूसरी साइड जाना है। ठीक है, तो ये इधर माइनस का है, ये जीरो के साथ जाके प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz विल बी द फाइनल आंसर। मतलब ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ करके दिखा दिया है, आप इस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 14। इसमें बोला गया है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू, कभी भी आप इन क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व नहीं करेंगे कि 12 का क्यूब 7 का क्यूब 5 का क्यूब प्लस माइनस करेंगे, यू विल गेट द राइट आंसर, कोई मना नहीं है, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, समझ में आई बात, तो आप ना ये वाला फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में रखेंगे। कैसे मतलब, देखो जैसे आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दो, कोई सा भी क्वेश्चन आए कभी भी इस तरीके से तीन डिजिट में क्यूब लगा हुआ, वो इसी तरीके से होगा कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो डेसिमल में हो, बस आपको थोड़ा सा ना रूल अच्छे से समझना है। होता क्या है बच्चों, आपको ए का वैल्यू माइनस के 12, बी का वैल्यू 7 और सी का वैल्यू 5। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को जोड़ के देखेंगे एक बार, इन दोनों मतलब इनके साइन लेने हैं, जैसे माइनस है तो माइनस लेना है, जो माइनस में उसको माइनस में रखना है, इसको सोल्व करोगे तो माइनस 5 आएगा प्लस 5 आएगा, वैल्यू कितनी आई 0, मतलब तीनों को जोड़ के हमारे पास कितना आना चाहिए 0, सम करने पे कितना आना चाहिए 0, तभी ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। मतलब ये जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें इज इक्वल टू कितना कर देना है 3abc, आपको डायरेक्टली एग्जाम में स्कूल में ऐसे बोल देते हैं कि 3abc कर देना, यू विल गेट द राइट आंसर, और तुम भी खुश हो जाते हो। 3 into a, a पे कितना है माइनस 12 इंटू 7 इंटू सी, सी पे कितना है 5, इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसका आंसर लिख दोगे, माइनस में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर आपको क्या करना है कि आपको देखना भी है कि a प्लस बी प्लस सी करने के बाद हमारे पास 0 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो आपको इन सब की मल्टीप्लाई करनी है एंड यू विल गेट माइनस के 36 into 35 करके आप इसको आंसर इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन, इनका एरिया आपको गिवन है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ऑफ यू नो वेरी वेल कि हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, जानते हैं सभी बच्चे लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एरिया मेरे को कितना दिया 25a² माइनस के 35a प्लस के 12, दिस इज द क्वेश्चन वी हैव। अब हमें इसका लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करना है। लेंथ एंड ब्रेथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये थोड़ा अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें यहाँ पे क्या है, ये लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म है तो हमें इसमें क्या करनी पड़ेगी, स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। स्प्लिटिंग मतलब आपको इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो 25 into 12 जब आप करते हैं, मैंने आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करा रखा है, तो आपके पास कितना आता है 300 आता है।
कितना आता है 300 आएगा, और हमें कितना लाना है 35 लाना है, ठीक है 300 से कितना लाना है 35, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 25a² 300 के जब आप एलसीएम लोगे ना, तो हमारे पास जो बनेगा यहाँ पे, इसमें जो इसके जो फैक्टर बनेंगे हमारे पास 15 प्लस के 20 बनेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय ए प्लस के 12, क्योंकि आप इन दोनों को प्लस करोगे तो यू विल गेट 35 और मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 300। तो इसको जब आप आगे की तरफ सोल्व करोगे तो इसके ब्रैकेट आप ओपन कर लेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई से साथ करोगे तो माइनस के 15 ए माइनस के 20 ए हो जाएगा प्लस के 12, इन दोनों में से कितना को माना जाएगा हमारे पास 5a, तो हमारे पास कितना आएगा 5a माइनस के 3, इसमें से कितना आएगा 4 5a माइनस के 3, तो वी कैन से 5a माइनस 3 एंड 5a माइनस के 4 विल बी द फाइनल आंसर। पर हमें तो इसमें लेंथ एंड ब्रेथ बताना है, तो ये एरिया का लेंथ है एंड ये क्या है इसका ब्रेथ, तो लेंथ एंड ब्रेथ आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया नहीं कर लिया। इसी के बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास 35y² है प्लस के 13y माइनस के 12, जब आप इसमें 35 × 12 करते हो तो आपके पास 420 आता है, कितना 420 जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो, अब आपको 13 लेकर आना है, तो 35y² माइनस के 15 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे आता है, इसको स्प्लिटिंग करते हैं, स्प्लिटिंग आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप वीडियो देख के इसको सीख सकते हैं कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा आपको बताने की तो थोड़ा प्रॉब्लम आपके साथ आएगी जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जिनको आता है उनके लिए आसान है काफ़ी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। माइनस के 12, अब बच्चों इनमें से कितना कॉमन आएगा 7y, तो अंदर कितना बचेगा हमारे पास 5y माइनस प्लस के 4, यहाँ से 3 आएगा 5y प्लस के 4, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वी कैन से 5y प्लस 4 इज कॉमन, तो 7y माइनस 3 इसके अंदर बचेगा, ठीक है। तो दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ वी हैव। देन द क्वेश्चन नंबर 15 तो हमारा हो गया, 16 के लिए चलते हैं। इसमें आपको क्यूब दे रखा है, पॉसिबल डायमेंशन ऑफ द क्यूब, डायमेंशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। जैसे कि इसमें वॉल्यूम दिया, तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है 3x² माइनस के 12x। जब आप इसको सोल्व करेंगे, देखो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, इन पूरे में से कितना कॉमन आ जाएगा 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा x माइनस के 4 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, तो वी कैन से 3 मल्टीप्लाई बाय कितना है x मल्टीप्लाई बाय x माइनस के 4, तो जो ये 3 हमारे पास है ये क्या है इसका लेंथ, इनको अलग अलग करके लिख देना, ये क्या होगा इसका ब्रेथ और ये क्या होगा इसका हाइट, बात समझ में आई है, तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हमारे पास इसका डायमेंशन आ गया। इसके बाद आता है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, यानी लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, 12ky² प्लस 8ky माइनस के 20k। यहाँ से जब आप इसको प्रूफ करेंगे, मतलब प्रूफ कह रहा हूँ इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों इसमें से कितना कॉमन आएगा हमारे पास, देखो k है यहाँ पे 4 है, 4 आ जाएगा, 4k कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो 4 3 y² हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, नहीं 4 5 20, बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब इसको सोल्व करना है, यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट टर्म आ गया लास्ट में 5 है ना, तो 5 3 15, इसको आप क्या करेंगे स्प्लिटिंग करेंगे, तो 15 जैसे आपके पास आया तो जैसे स्प्लिटिंग आप जानते हैं 5 - 3 आप इसको लिख सकते हैं, तो 5 - 3y - 5, देन जब आप इसको सोल्व करोगे 4k 3y² प्लस के 5y - 3y - 5 वी कैन से, ठीक है। अब इसको जब आप आगे की तरफ लेकर चलेंगे तो बड़े सिंपल वे में आप इसको सोल्व करेंगे, इन दोनों में से कितना कॉमन आ जाएगा हमारे पास y, कितना कॉमन आएगा यहाँ से y आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा हमारे पास 3y प्लस के 5 बचेगा, और इन दोनों में से कितना कॉमन आएगा 1,
तो 3y प्लस के 5 बचेगा, यानी दोनों ब्रैकेट हमारे पास क्या है सेम है, तो इट मींस वी आर ऑन द राइट वे। तो ये 4k हमारा बाहर रहेगा, अंदर कितना बचेगा y माइनस 1 और 3y प्लस के 5 बचेगा। ठीक है, स्प्लिटिंग आप लोग जानते हैं। अब हमें लेंथ ब्रेथ हाइट निकालनी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी लेंथ, ये क्या हो जाएगा इसका ब्रेथ, और ये क्या हो जाएगा हाइट। ठीक है, ये हमारे पास इसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आ जाएगा। के जो है हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट, आप लिख सकते हो साइड में कि के कांस्टेंट है, तो यानी लेंथ को आप इसमें 4 भी लिख सकते हैं, 4k भी लिखोगे तब भी ठीक है, 4 भी लिखोगे तब भी ठीक है। तो ये चैप्टर जो है बच्चों हमारा कंप्लीट हो जाता है, और होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।